पौंडीचेरी या पुडुचेरी भारत की 8 यूनियन टेरिटरीज में से एक है। पौंडीचेरी सिचुएटेड है इंडिया के ईस्ट कोस्ट पे, ओवरलुकिंग द बे ऑफ बंगाल। पौंडीचेरी फेमस है अपने बीचेस, कैफेज एंड फ्रेंच आर्किटेक्चर के लिए, जो कि एकदम आउट ऑफ द फेरी टेल लगता है। इसीलिए इसको फ्रेंच कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगर आप भी पौंडीचेरी का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो वीडियो में बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी आपके ट्रिप प्लान करने में। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इससे मोटिवेशन मिलती है और भी ऐसे ट्रैवल वीडियोस करने। पौंडीचेरी इज इजीली एक्सेसिबल थ्रू रोड, रेल एंड एयर एज वेल। अगर आप रोड से आना चाह रहे हैं तो पौंडीचेरी वेल कनेक्टेड है फ्रॉम ऑल मेजर साउथ इंडियन सिटीज, जहां से आपको बस मिल जाएगी पौंडीचेरी के लिए, जो आपको सिटी के सेंटर में उतारेगी। वहां से आप टैक्सी या ऑटो लेके अपनी एकोमोडेशन तक जा सकते हो। आप खुद भी ड्राइव करके आ सकते हो। इनफैक्ट चेन्नई से पौंडीचेरी का रूट बहुत सीमित है। बाय रेल बात करें तो पौंडीचेरी का अपना एक रेलवे स्टेशन है, जहां सभी साउथ इंडियन सिटी से ट्रेन आती है। अब अगर एयर की बात करें तो पौंडीचेरी हैज़ इट्स ओन एयरपोर्ट, जहां सभी साउथ इंडियन सिटी से डायरेक्ट फ्लाइट्स आती है। अगर आप दिल्ली, मुंबई या कोलकाता से आ रहे हो तो आपको कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ती है फ्रॉम बेंगलुरु और हैदराबाद। ज़्यादातर लोग चेन्नई ही प्रेफर करते हैं आना, बिकॉज इट्स जस्ट 3 hours जर्नी फ्रॉम चेन्नई एंड चेन्नई एयरपोर्ट इज़ वेल कनेक्टेड विद ऑल मेजर सिटीज़ एयरपोर्ट्स। पौंडीचेरी जाने का बेस्ट टाइम अक्टूबर से मार्च रहता है। इस टाइम मौसम खुला होता है, जहां आप अच्छे से बीच, वाटर स्पोर्ट और साइट सीइंग एंजॉय कर सकते हैं। पौंडीचेरी आप 2 दिन में पूरा कवर कर सकते हैं, जिसमें कि day 1 पे आप सबसे पहले ऑरोविल जा सकते हैं। ऑरोविल पौंडीचेरी से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ऑरोविल एक यूनिवर्सल टाउनशिप है। ऑरोविल का उद्देश्य विश्व शांति और विभिन्नता की स्थापना करना है, जहां लोग भाषाओं, संस्कृति और धर्मों के बिना परिवार की भावना के साथ एक साथ रह सके। इस जगह का निर्माण 1968 में मीरा अल्फाजा द्वारा किया गया था, जो कि श्री औरबिंदो जी की डिसाइपल थी। यहाँ मैत्री मंदिर भी है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस इन पौंडीचेरी है। सेरेनिटी बीच पौंडीचेरी के प्रिस्टीन बीचेस में से एक है। ये वाइट सैंड बीच है। यहाँ एक रॉक ब्रिज भी है, जहाँ आप इंस्टा वर्दी फोटोज खिंचवा सकते हैं। यहाँ पर आप सर्फिंग और बोट राइड भी कर सकते हैं। औरबिंदो आश्रम। श्री औरबिंदो आश्रम में फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अंदर जाते वक्त ये आपका सेलफोन स्विच ऑफ करवा देते हैं। ये एक बहुत ही पीसफुल एंड काम जगह है, जहां आप एक मीनार से बैठ के मेडिटेट कर सकते हो। आरुलमिगु मनाकुला विनायगर टेम्पल। ये पौंडीचेरी का एशियन टेम्पल है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड गणेश। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। अगर आप पौंडीचेरी आए तो यहाँ ज़रूर विजिट करें। मंदिर के प्रेमाइसिस के अंदर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। बेसिलिका ऑफ द सेक्रेड हार्ट चर्च। ये पौंडीचेरी के 3 बेस्ट चर्चेस में से एक है, बाकी 2 हम day 2 पे कवर करेंगे। ये चर्च 1908 में बना था। इसका गॉथिक आर्किटेक्चर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये चर्च जितना बाहर से सुंदर है, उतना ही अंदर से सुंदर है। तो मेक श्योर जब आप पौंडीचेरी में हो, यहाँ ज़रूर विजिट करें। वाइट टाउन और फ्रेंच कॉलोनी। पौंडीचेरी फेमस है अपने वाइट टाउन के लिए। यहाँ आके लगता ही नहीं कि आप इंडिया में हो, ऐसा लगता है कि आप किसी और जगह आ गए हो। यहाँ आप देखोगे सारी बिल्डिंग्स के नाम फ्रेंच में हैं, सभी ब्राइट कलर्स में पेंटेड हैं और सभी के विंडोज एंड डोर फ्रेंच आर्किटेक्चर स्टाइल में बने हैं। फ्रेंच पीपल यूज टू स्टे हेयर बिफोर इंडिपेंडेंस। आपको सभी बिल्डिंग्स एकदम यूनिक और ब्यूटीफुल लगेगी। यहाँ लोग स्पेशली फोटोज क्लिक करने के लिए रुकते हैं। यहाँ पर आप प्री वेडिंग शूट्स होते हुए भी देखोगे। अब जो मैं आपको नेक्स्ट 6 प्लेसेस बताने वाला हूँ, वो सब एक दूसरे से 100-200 मीटर के डिस्टेंस पे है। ये सारी जगह एक साथ कवर होती हैं, जिसमें सबसे पहले महात्मा गांधी स्टैचू आता है।
ये 13 फीट का महात्मा गांधी जी का स्टैचू बहुत ही सुंदर है, यहाँ आप रुक के फोटोज क्लिक करवा सकते हो। महात्मा गांधी स्टैचू के ऑपोजिट आपको ओल्ड लाइट हाउस देखने को मिलेगा। ये पौंडीचेरी के आइकॉनिक लैंडमार्क्स में से एक है। ये लाइट हाउस 1836 में बना था। ये लाइट हाउस देखने में बहुत शानदार लगता है। नेक्स्ट आप रॉक बीच जा सकते हो, जो कि यही महात्मा गांधी स्टैचू के साथ है। ये बीच 1.2 किलोमीटर लॉन्ग बीच है। ये बीच प्रोमिनेंट बीच के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आप बैठ के बे ऑफ बंगाल के मस्त नज़ारे ले सकते हो। महात्मा गांधी स्टैचू से 2 मिनट की वॉक पे है फ्रेंच वॉर मेमोरियल। 1971 में बनाया गया ये मेमोरियल वर्ल्ड वॉर 1 के सोल्जर्स को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि शॉपिंग कहाँ करें, तो घबराए नहीं, मैं वही बताने लगा हूँ। इसके बाद आप क्राफ्ट बाजार जा सकते हैं, जो कि फ्रेंच वॉर मेमोरियल से जस्ट 5 to 7 मिनट्स की वॉक पर है। यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए सुवेनिर्स ले सकते हैं। क्राफ्ट्स बाजार के एग्जिट गेट के सामने ही भारती पार्क है, जो कि बहुत ही सुंदर पार्क है। यहाँ पार्क के बीचों बीच एक मॉन्यूमेंट है, जिसे आय मंडपम कहते हैं। ये बहुत फेमस है। आप यहाँ आके पार्क के ब्यूटीफुल व्यूज एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ बच्चों के लिए भी काफ़ी सारे झूले हैं। डे 2 पर आप सबसे पहले गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव जी विजिट कर सकते हो। गुरुद्वारा साहिब का निर्माण साल 2013 में हुआ था। वैसे ये हिस्टोरिकल गुरुद्वारा तो नहीं है, बट काफ़ी पुराने स्क्रिप्चर्स और रिलीजियस टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है, जब गुरु नानक देव जी उड़ीसा से श्रीलंका जा रहे थे, तब वो इस एरिया से होके गए थे। अगर आप पौंडीचेरी आओ तो गुरुद्वारे के दर्शन ज़रूर करना। ये गुरुद्वारा पौंडीचेरी के अरियानकुपम एरिया में है। यहाँ आप गूगल मैप्स फॉलो करके पहुँच सकते हो। नेक्स्ट आप बोटैनिकल गार्डन जा सकते हैं। ये भी पौंडीचेरी की फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। यहाँ पर मोर देन 1500 प्लांट स्पीशीज हैं। यहाँ की एंट्री टिकट ₹20 है। आप यहाँ नेचर इंजॉय कर सकते हैं। अंदर एक म्यूजिकल फाउंटेन भी है और काफ़ी सारे झूले हैं। हर सैटरडे एंड संडे यहाँ ट्रेन राइड भी होती है। ये प्लेस बच्चों के लिए हेवन है। नेक्स्ट आप इमैक्युलेट कंसेप्शन कैथीड्रल चर्च जा सकते हो, जो कि एक और सुंदर चर्च है पौंडीचेरी का। ये 300 साल पुराना चर्च है। आप यहाँ पर आराम से फोटोज क्लिक करवा सकते हो। इसके बाद आप आर लेडी ऑफ एंजल्स चर्च जा सकते हो, जो कि बहुत ही सुंदर चर्च है। ऐसा चर्च आपने पहले नहीं देखा होगा। ये चर्च 1855 में बना था। ये ग्रेको रोमन आर्किटेक्चर दर्शाता है, जो कि देखने में बहुत शानदार लगता है। इस चर्च को डुमैस चर्च भी कहा जाता है, क्योंकि ये डुमैस स्ट्रीट पे है वाइट टाउन में। नेक्स्ट आप पौंडी मरीना इको बीच जा सकते हो। ये 2022 में ही स्टार्ट हुआ है। ये बीच सिचुएटेड है न्यू लाइट हाउस के पास। ये एक फूड बेस्ड थीम बीच है, जहां आपको 30-40 फूड आउटलेट्स मिलेंगे, सर्विंग एवरीथिंग फ्रॉम कुल्फी आइसक्रीम टू बर्गर्स एंड बिरयानी। यहां पर
पौंडी मरीना बोट हाउस भी है, जहां से आप बोट राइड भी एंजॉय कर सकते हो। लास्ट में आप पैराडाइज बीच जा सकते हो। पैराडाइज बीच पौंडीचेरी का सबसे बढ़िया बीच और वेल मेंटेन्ड बीच है। यहां आने के लिए आपको चुनाम्बर बोट हाउस से फेरी लेनी होती है, जो कि आपको 300 रुपीज पर पर्सन में टू एंड फ्रो राइड ऑफर करती है। ये बीच के एक साइड पे सी और दूसरी साइड पे बैक वाटर है। यहाँ पर आप काफ़ी एक्टिविटीज इंजॉय कर सकते हो, जैसे वाटर जॉर्बिंग, गायरो राइड, एटीवी बाइक राइड एक्सेट्रा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे अपने अगले ट्रैवल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।